हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइज एज वेल। माय नेम इज श्वेता चौधरी एंड आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ फादर्स डे डीआईवाईज एंड कार्ड्स। यस फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है फादर्स डे आने वाला है, सो मैं आपके लिए बहुत इजी से कार्ड्स एंड डीआईवाईज आइडियाज लाई हूँ। आई होप आपको ये पसंद आएंगे एंड ये बहुत ईजी टू मेड है, बिल्कुल भी ज्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान से है, जिसे आप बना सकते हो और अपने फादर को गिफ्ट कर सकते हो। सो यस, विदाउट एनी फर्दर लेट गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, फर्स्ट कार्ड के लिए आपको लेनी है एक शीट एंड उसको कुछ ऐसे फोल्ड कर लेना है एंड जो भी बॉर्डर आप बनाना चाहे वो बनाना है। देन अदर कलर की शीट पर आपको एक हैंड कट करना है एंड उसको इस तरीके से पेस्ट करना है जैसे मैं पेस्ट कर रही हूँ। देन इसके बाद इन फिंगर्स को कुछ इस तरीके से फोल्ड करके पेस्ट कर दें। फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि आपने जो हैंड पेस्ट किया था वो एक थम्स अप वाला लुक दे रहा है। देन आपको ऊपर लिखना है थम्स अप फॉर दी बेस्ट डैड एंड आपका एक कार्ड तैयार हो जाएगा। बहुत सिंपल भी है एंड इजी भी। सेकेंड आइडिया के लिए आपको कुछ इस तरीके के रॉक्स, छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं ना, वो चाहिए एंड एक शीट। देन आपको उस पत्थरों को इस शीट के चारों ओर पेस्ट करना है। सो आपको प्रॉब्लम होगी कि फेविकॉल से पेस्ट नहीं होंगे, तो आप डबल साइडेड टेप का यूज़ करें एंड डबल साइडेड टेप को कट कर कर चारों साइड्स पर पेस्ट कर दें एंड देन उसके ऊपर उन पत्थरों को पेस्ट कर दें। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो आपको चारों साइड पर इस तरीके से पत्थरों को पेस्ट करना है एंड देन बीच में लिखना है डैट यू रॉक्स। फ्रेंड्स, थर्ड कार्ड के लिए आपको एक शीट पर इस तरीके से टाई ड्रॉ करनी है जैसे मैंने ड्रॉ की है एंड देन उसको जैसे भी आप कलर से डेकोरेट करना चाहें वैसे डेकोरेट कर लेना है। एंड उसके बाद उस टाई को कट कर लें आप। देन उसके बाद एक अदर शीट लेंगे एंड उसके ऊपर इस टाई को पेस्ट करेंगे। फ्रेंड्स, अब उस टाई को आप किसी और कलर की शीट पर पेस्ट कर दें एंड यस, थोड़ा सा ऊपर से स्पेस छोड़ दीजिएगा एंड अब साइड में से जो टाई के साइड में जो शीट है उसको थोड़ा सा कट कर लें जैसे मैंने कट किया है एंड देन उसके बाद उसको हम फोल्ड करेंगे जिससे कि हमारे शर्ट के कॉलर बनेंगे, यानी जो हमारा शर्ट कार्ड है उसके कॉलर बन जाएंगे। सो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको करना है एंड देन इनको बस पेस्ट कर दीजिएगा। उस टाई के नीचे आपको लिख देना है हैप्पी फादर्स डे और जो भी आप अपने पापा के लिए लिखना चाहो वो आप लिख सकते हो। फ्रेंड्स, आपका फादर्स डे शर्ट कार्ड रेडी है। ये बहुत सिंपल है, थोड़ा सा यूनिक भी है। फ्रेंड्स, इस कीचेन डीआईवाई के लिए आपको एक छोटू सी टाई ड्रॉ करनी है एंड एक शीट पे उसको पेस्ट करना है जैसे कि आपने वो फादर्स डे शर्ट कार्ड बनाया था सेम वैसे ही एंड बस इसके बाद उसमें एक छोटू सा होल करके इस चेन को उसके अंदर डाल देना है एंड आपकी फादर्स डे कीचेन रेडी हो जाएगी। सो
सो हमारे नेक्स्ट कार्ड के लिए आपको एक शीट पर वाटरमेलन यानी मेलन जो है वो ड्रॉ करना है, जैसे मैंने ड्रॉ किया है, सिंपल सा, एक बहुत इजी सा। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि आपको इस तरीके से एक मेलन ड्रॉ करना है शीट पर, क्यूट सा, सिंपल सा, एंड उसके बाद बस नीचे क्या लिखना है, यू आर वन इन मेलन, एंड आपका कार्ड जो है वो रेडी हो जाएगा। हमारे नेक्स्ट DIY के लिए आपको आइसक्रीम स्टिक्स लेनी है, एंड उसके आगे एंड पीछे दोनों साइड्स पर शीट को पेस्ट कर देना है ताकि वो अच्छे से पेस्ट हो जाए, अलग ना हो एक दूसरे से। एंड बैक के लिए आप कोई रफ शीट कुछ भी पेस्ट कर सकते हैं, एंड फ्रंट के लिए आप जिस कलर की भी शीट चाहें वो पेस्ट कर सकते हैं। शीट पेस्ट करने के बाद उस फेविकॉल को थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ दें। देन उसके बाद आपको उस पर लिखना है 5 things आई लव अबाउट माई डैड। आप कोई भी 5 things लिख सकते हैं जो आप चाहें, जो आपको अपने पापा के बारे में अच्छी लगती हैं। एंड उसके पीछे आप एक रिबन पेस्ट कर दें, एंड आपका फादर्स डे वॉल हैंगिंग रेडी हो जाएगा। सो फ्रेंड्स कैसे लगे ये फादर्स डे DIYs एंड कार्ड्स? आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो प्लीज इन्हें बनाइए एंड अपने पापा को गिफ्ट कीजिए। एंड अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, टिल देन बाय।